हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्मृति डॉट लोगो ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है किचन से। तो आज है तारीख 31 तारीख और अभी करीब 7:30 होने वाले हैं और मेरे पतिदेव जी आने वाले हैं, उतर गए हैं वो, अब तो आ रहे होंगे। तो उनके स्वागत में खाना बन रहा है, तो इसमें चावल बन रहा है और अब वो भी हो ही जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, दाल नहीं, सॉरी, सब्जी है, आलू पालक का और मटर है। और इसमें है, यहाँ देखिए दाल, और यहाँ देखिए आप लोग को और एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ देखिए इसमें है टमाटर का चटनी। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ आटा सान कर रख दिए हैं। तो अब अभी रोटी अभी नहीं बनाएंगे, अब वो आ जाते हैं तो वो नहाने लगेंगे ना तब, क्योंकि कल का ही मतलब चले हैं तो उतना 2 दिन के सफ़र करने के बाद थोड़ा सा ना अजीब सा बेचैनी सा लगता है, तो बिना नहाए धोए खाना अच्छा नहीं लगता है। तो उनके लिए उसी टाइम सोचे जब वो नहाने जाएंगे ना, नहाते समय तब तो इधर हम तवा चढ़ा देंगे, उसके बाद रोटी बनाने लगेंगे। तो इधर चलिए सब तैयार कर दिए। और पानी यहाँ देखिए अपने फौजी साहब के लिए लगा कर रख दिए हैं कि गर्म पानी, क्योंकि ठंडा है फ्रेंड्स बहुत, तो तबीयत खराब हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, तो इसकी वजह से पानी भी गर्म होने के लिए लगा दिए हैं। और डुबू बेटा का मेरा तबीयत सही नहीं है फ्रेंड्स, क्या बताएं, अच्छा नहीं लग रहा है बेचारा, यहाँ देखिए सोया है, बोल रहा था कि मम्मा पापा कब आ रहे हैं, बार बार फोन कर रहा था, पापा कब आ रहे हैं, कब आइएगा। तो मच्छरदानी से सबके लगाना पड़ता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडा के दिन में भी बहुत ज़्यादा पूरा मच्छर एकदम लगता है, नहीं सोने मतलब सोने नहीं पाते हैं, इतना पूरा भुन 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 करता है, रहता है कि कान में घुस जाएगा। तो चलिए फिर आते हैं, ताको से मिलाते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। पापा बेटा का मिलन हो रहा है और बेटा खांस रहा है इधर, हम लोग माँ बेटा खांसने में हैं और हम लोग के बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि तुम लोग मुर्गी जैसा खांस रही, अब खांसे में है तो क्या कहें, क्या करें, मुर्गा जैसा खांसे चाहे मुर्गी जैसा खांसे। तो चलिए अब पानी गर्म हो ही गया, अब नहाएंगे फिर खाना वाना खाएंगे। वो अपना पान खाइए, हम पान नहीं खाते हैं। देखिए हमें क्या है, आसाम से जो होंगे ना, यहाँ देखिए आसाम में यही सब, वहाँ पर लेडीज लोग को हम भी गए थे ना तो देखे थे मई का टाइम में। यहाँ देखिए ये कसैली हम बोलते हैं और ये पान का पत्ता है, तो उन लोग चाय बांटते रहते हैं, तो वही हमें ला के क्या दे रहे हैं, हमें गिफ्ट ही हो रहा है, सरप्राइज गिफ्ट, पान और कसैली। तो चलिए आप लोग से बाद में फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आज है 1 जनवरी और नया साल को आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह से हम लोग के नया साल हंसी खुशी बीतते रहे और साथ में सब लोग को इसी तरह से बीते, क्योंकि साल का बहुत वेट रहता है। आज 1/1/2024 हो गया, तो चलिए आज आप लोग क्या क्या बना रहे खा रहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि पूरा ब्लॉग नहीं शूट कर पाया, जैसे डूब के पापा आए ना तो उनको हम नहाने वहाने के लिए फिर पानी उनी लगाए थे आप लोग को, तो जैसे मैं दिखाई थी तो वो फिर नहाने चले गए, तो जल्दी से उनको भूख लगा था तो हम इधर रोटी बनाने लगे, इधर तो बना कर रख दिए थे और उनको फिर क्योंकि सोना भी था, 2 दिन इस तरह से हो गया था सफ़र करते हुए, तो ट्रेन में तो अच्छा से नींद आती ही नहीं है, तो इसके वजह से बोल रहे थे कि बहुत ज़ोर से नींद हमें आ रही है कि हम सोएंगे, जल्दी से खाना वाला दो। तो फिर खाना वाला दिए, फिर खाए हम लोग भी,
फिर सो गए क्योंकि दिन में भी थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किए थे, थकान जैसा लग रहा था। एक तो तबीयत सही नहीं है आजकल, तो उसकी वजह से ठीक नहीं लग रहा था। तो सुबह में उठे तो सुबह में ना ये आलू गोभी मटर का सब्जी बना रहे हैं, मतलब मेरा बन गया यहाँ देखिए। और जा रहे हैं कचौड़ी बनाने के लिए, तो इसमें अजवाइन है और सूजी है और थोड़ा सा इसमें आटा लेंगे और कचौड़ी बनाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने, आप लोग कचौड़ी और आलू गोभी मटर का सब्जी है, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और दिखाएंगे। क्योंकि अभी अभी इधर नहीं है डोगो के पापा, और डोगो बाहर में है, वो लोग थोड़ा सा घूम रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, धूप निकल गया है आज। धुंध मतलब नहीं है, बहुत उधर धुंध पड़ रहा था 2-4 दिन, और ठंडा भी। तो हालांकि ठंडा तो अभी भी है, बोल रहे थे कि हमारे यहाँ आसाम में इतना ठंडा नहीं है, कि उधर सुबह में ना खूब अच्छा धूप निकल जा रहा था, यहाँ ज़्यादा ठंडा है झारखंड में आसाम से भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए आप लोग को दिखाते। तो फ्रेंड्स काम हो गया, तो फिर नाश्ता उस्ता हो गया और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ धोकर रखे हैं पानी मतलब गिरने के लिए। उसके बाद वो जो डाली है बर्तन वाला उसमें रख देंगे, जो खाना था जो बचा हुआ उसको निकाल के फिर इधर ढक दिए हैं। और अभी पूरा फ्रेंड्स मेरा काम पड़ा हुआ है, और क्या बताएं बहुत लेट हो गया। एकदम देखिए किस तरह से, यहाँ देखिए पूरा अस्त व्यस्त मेरा इधर पड़ा है, जिस पर बेटा पढ़ता है मेरा, उसको सही हारेंगे। और ये है साफ सफाई होगा, डू के पापा के कुछ कपड़ा है, यहाँ देखिए इस तरह से सारा रख दिए हैं, जहाँ ही पाए तही। और यहाँ से स्कूटी निकल गया जो मेरा सुना सुना लग रहा है, अरे स्कूटी आज यहाँ देखिए बाहर में बाहर में हूँ। आप लोगों को खुर खुर की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाता है ना फ्रेंड्स, मतलब स्टार्ट ही नहीं होता है, और 3 महीना से पूरा इसी घर में रखा हुआ था। तो फिर चलिए क्या करें, अभी पूरा झाड़ू पोछा सब बाकी है, नहाना धोना कपड़ा ज़्यादा धोना है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे कैसे एक ही बार में इतना काम सारा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे छोटा सा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ।